बेसिक शिक्षा परिषद की परियोजना सलाहकार रोहित की अध्यक्षता में एनेक्सी सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारी तथा विभिन्न परियोजनाओं के जुड़े हुए समन्वयक मौजूद रहे। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कायाकल्प योजना, प्रेरणा ऐप, संविदा पोर्टल सहित विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान परियोजना सलाहकार रोहित ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी विभाग द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं का समय से आकलन कर लें तथा उस पर कार्रवाई करते हुए कार्यों को सुचारू ढंग से संचालित करें, जिससे आगामी सत्र में विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत नहीं होने पाए। उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी, स्कूलों की बाउंड्री वॉल तथा सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूलों की पड़ताल करने तथा शिक्षा को गुणवत्ता पूर्वक संचालित करने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दें, जिससे आगे कोई दिक्कत ना पड़े। साथी सर इतने उपस्थित हैं और यहाँ भी साथी होंगे। सभागार में आज हमारी परियोजना कार्यालय से माननीय महानिदेशक महोदय को भी आना था, परिहार कारणों से आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे थैंक यू प्लीज टाइम क्वालिटी यूज कर दिया बस थैंक यू काम हो गया सर। प्लीज लाइक मेंटर समझौता नहीं और खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पे है। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि कार्यक्रम जो मान्य सर मौर्य का एक दौरा कार्यक्रम लगा था आज आपके जनपद में, पूरी परियोजना से टीम जो उनके साथ काम करती है वो आज यहाँ पर उपस्थित है। संभवतः वो हमारे साथ हमारे नहीं आ पाया परिहार कारणों से। तो आज आपके जनपद के हमने कुछ विद्यालयों का भ्रमण किया, बीआरसी के हमने देखा हमें जाके, हमने डाइट का भी रख रखाव डाइट में दुनिया होता भी देखी है और जो निर्देश राज्य स्तर से भेजे जा रहे हैं, जो निर्देश वरिष्ठ स्तर से आप लोग तक प्रेषित किया है उनकी क्या क्रियान्वयन की स्थिति है, इसके बारे में स्थलीय लोगों ने जानकारी आज इकट्ठा की, लोगों ने देखा है। तो उसमें कुछ प्लस हैं, कुछ निराशाजनक बातें भी हैं, उसको हम लोग शेयर करेंगे पॉइंट वाइज। जो मुख्य कार्यक्रम है राज्य स्तर से ऑपरेशन कायाकल्प का मिशन प्रेरणा, उसमें क्या प्रगति है, उसमें आप लोग से अभी क्या और अपेक्षाएं हैं, कितना आपको और सुधार करना है, कितना आपको और इन्वॉल्व होना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही और हम लोग की जो आज बीट के जिससे हम लोग को जो चीज़ें देखने को मिली वो भी आप लोग के साथ साझा करेंगे। तो इस बैठक को दो भागों में बांट, पहले हम लोग जनरल डिस्कशन सभी के साथ कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ खंड शिक्षा अधिकारियों को अलग से हम लोग 10 मिनट डीसी को बुलाएंगे। तो खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ डीसी भी और डबल लेवल ही हमारे साथ एआरपी एसआर भी हमारे पर पहले सत्र के बाद आप लोग जा सकते हैं। तो इसी क्रम में मेरे ख्याल से पहले जो हम लोग की दो टीमें, आज हम लोग दो टीम में थे और दो विद्यालय एक बीआरसी, दोनों टीमों ने अलग अलग भ्रमण किया है, उसके बारे में भी थोड़ा फीडबैक आप लोगों के साथ साझा करेंगे। कहाँ कहाँ गैप्स हैं, आप लोग क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, मिशन प्रेरणा का जो मूलभूत लक्ष्य रखा गया था कि आप सभी ने, हम लोगों ने देखा है कि सभी लोगों ने लक्ष्य रख लिए, लेकिन लक्ष्य को बस रख लेना कि हाँ दो कक्षा दो के बच्चे को ये आना चाहिए या कक्षा तीन के बच्चे को इतना आना चाहिए, तो इससे भी बात नहीं बनने वाली है। प्रेरणा तालिका बना दी गई, जज्बा कर दी गई कि उसका उपयोग कैसे करना है, उसको क्या आत्मसात नहीं कर पाए आप सभी लोग। जो एआरपी और एसआरटी का जो सपोर्टिव सुपरविजन जिस इंटेंशन के साथ बनाया गया है वो अभी परिलक्षित नहीं हुआ, फलीभूत नहीं हो पाया है, उसको कैसे आप करेंगे। आप सिर्फ वहाँ सपोर्टिव सुपरविजन ऐप चला कर दिए, उसके साथ क्वेश्चनियर सिर्फ भर के चले आते हैं, उनसे बातचीत करना या जो चीज़ आपने वहाँ महसूस की उसको संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाना या 10 दिन बाद उसकी प्रतिपुष्टि लेना उस विद्यालय से उनको जोड़ के रखना, वो अभी संबोधा दिया आप लोगों ने नहीं आ पाया, उसकी एक कमी देखी। दूसरी बात जो हमारा समुदाय है, जो हमारे गार्जियंस हैं, उनसे भी अभी जुड़ाव का वक्त नहीं महसूस हुआ, चाहे उनकी प्रेरणा के माध्यम से जो राज्य स्तर से कंटेंट भेजे जा रहे हैं उनकी पहुंच देखा जाए या दूरदर्शन पे जो 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे का कक्षावार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, चाहे उसकी पहुँच देखी जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं जो हैं वो उतनी साकार उतनी दिख रही है। तो इस बारे में एक पहली टीम से हम लोग गए थे, हमारे साथ आनंद पांडे जी हैं और गुणवत्ता पूरे राज्य स्तर पे कार्यक्रम देख रहे हैं, ये चर्चा करेंगे विद्यालयों में क्या पाया गया, क्या और पाया जाता है। दूसरी टीम से
दिवाली भी हैं, श्याम किशोर तिवारी पाठ्यपुस्तक अधिकारी हैं, आप ये साझा करेंगे आपके साथ कि क्या पाया गया और क्या सुधार की आवश्यकता है, कैसे करना है। नमस्कार आप सभी को, आप सबको एक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा, आप सभी मीडिया हैं 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जैसी की थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। देखिए, या तो बातें समझ में आ गई या समझ में नहीं आई, आपने पढ़ा ही नहीं है। ढेर सारी शिक्षक डायरी यानी BRC से पढ़ी हुई है।